एकम सत बहुधा वदन्ति, अर्थात ईश्वर की आराधना चाहे जितने रूपों में कीजिए, परंतु ईश्वर एक ही है। वही ईश्वर संसार के कण कण में बसे हैं, फिर भी वे इस संसार से परे हैं। नमस्कार। आत्मा की आवाज ही परमात्मा को जगा सकती है। श्रद्धा वह शक्ति है जो भक्त को भगवान तक ले आती है और कभी स्वयं भगवान को भक्त तक ले आती है। आज की इस पावन यात्रा में हम आपको ले चल रहे हैं खियोले गांव के महेश्वरनाथ मंदिर। हमारी यात्रा का परम सौभाग्य है कि हम महेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन हेतु आ पहुँचे। इस मंदिर की एक झलक ही मानो 100 जन्मों का सार है। मंदिर की शिल्पकला अद्वितीय है। कारीगरों द्वारा तराशे गए इन पत्थरों को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। कहीं बेल से सजे दीवार तो कहीं गणपति बप्पा शिवलिंग व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर जैसे सुख का द्वार हो। महेश्वरनाथ शिवालय जो कि त्रियोले में स्थित है, यह हिंद महासागर का मान है, हिंद महासागर की शान है। देश विदेश से यहाँ यात्री पूजा करने आते हैं और जब इसका निर्माण हुआ था 1891 में, जिजुइट 91 में उद्घाटन हुआ, उससे पहले जब यह मंदिर बन रहा था तो सभा सभा से गांव गांव से लोग आते थे सहायता करने। मुझे याद है मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मंदिर बनत रहल तो हमने सब कोई जात अली जा हुआ सेवा करी। ये सभी लोग जाते थे वहाँ, पत्थर लाते थे, पत्थर आदि जो है उसको बनाते थे और चूने और मिट्टी को सानते थे। यह मंदिर, इसकी खूबी है कि चूने और मिट्टी से बना हुआ यह मंदिर है और इसकी ऊंचाई जो है 90 फुट है और 90 फुट के होने से मंदिर में जाकर जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो गुंबद से ऊपर के कलश से गूंज पैदा होती है और वह गूंज ऐसा भगवान शिव जवाब दे रहे हों, उत्तर दे रहे हों हमको, यह मार्के की बात है। ये अलौकिक दृश्य प्राप्त करने के लिए भक्त बार बार यहाँ आते हैं और यहाँ व्याप्त शांति को अपने हृदय में लेकर स्थान होते हैं। मंदिर के शिखर पर त्रिशूल जैसे भक्तों को अपनी ओर खींच रहा हो। महेश्वरनाथ मंदिर का इतिहास आस्थाओं का इतिहास है। Thank you.
के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। महेश्वरनाथ मंदिर में माँ दुर्गा के नौ रूप स्थापित है। नव दुर्गा नव रूप मैया सुंदर मधुर स्वरूप मैया। कहां यहां देवों का नंदन। माँ दुर्गा के नौ रूपों के दर्शन करने से मानो आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि माँ के शरण में आकर हम धन्य हो गए। कोई दुख कोई परेशानी नहीं। कहां यहां देवों का नंदन। मलया चलता अभिनव चंद। माँ होती ही ऐसी है, बिन बोले संतान की हर बाधा को हर लेती है। करुणा में विचरो मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर। काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर। काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो। मेरे मन के अंत तमस में ज्योतिर्मय। गीता में भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि अच्छे लोगों के तरन तारन और बुरे लोगों के विनाश हेतु वे हर युग में अवतार लेंगे। कलयुग में श्री कृष्ण ने जगन्नाथ के रूप में अवतरित हुए। महेश्वरनाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ देवी सुभद्रा और बलभद्र अलौकिक प्रेम रूप में स्थापित है। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में प्रति वर्ष जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकलती है। मॉरिशस में भी जगन्नाथ यात्रा का बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। बृहद कराही को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यही प्रतीत हो रहा है कि मैं किसी कारखाने के प्रांगण में हूँ, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। मैं असल में महेश्वरनाथ मंदिर के ही प्रांगण में हूँ। महेश्वरनाथ मंदिर पंडित सजीवन लाल जो यहाँ के फाउंडर थे, उन्होंने ही
यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर एक पुराने कारखाने त्रियोले शुगर फैक्ट्री के मुताबिक जो चिमनी थी यहाँ पर 90 फीट का, उसका रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने इसका निर्माण किया। वो जो हमारे मंदिर है वो 90 फीट का है, जो मेन शिव मंदिर है। और आंगन में यहाँ पर बड़े कड़ाही थे, वो बड़े कड़ाही वो शुगर फैक्ट्री उन्हें यूज़ करते थे, उसको शुगर केन बॉइलिंग सिस्टम वहाँ पर चीनी बनाने के लिए। जहाँ पर खड़े हैं यहाँ जो राधा कृष्ण मंदिर है, ये भी एक पुराने वो जो कारखाना शुगर फैक्ट्री उसी के चूना इत्यादि से बनाया गया हुआ ये दृश्य। यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर यहीं पर है, इसको बाद में रिनोवेट किया गया ब्लॉक इत्यादि डालकर, तक क्योंकि चूना गिर रहे थे तो इसको मरम्मत किया गया। हिंदू धर्मानुसार नंदी भगवान शिव जी का वाहन है। नंदी शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के दर्शन से पूर्व नंदी की पूजा की जाती है। एक तरह से नंदी से आज्ञा प्राप्त करके ही भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव भोले भंडारी है, वे सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्रद्धा पूर्वक पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए और महादेव की कृपा प्राप्त कीजिए। भगवान आशुतोष का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पर्यटक भी पीछे नहीं हटते। महेश्वरनाथ शिवालय में जब पूजा होती थी, अभिषेक होता था, तो लोग मेरवा तालाब, जिसको सुलिचित तालाब भी बोलते हैं, वहाँ से जल लाते थे या कुएं से जल लेते थे और उससे अभिषेक करते थे। तो इस तरह पंडित जी को यह बात थोड़ा कचोटती थी कि क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने थोड़ा सोचा। इधर वापियोले के झमन गोसाई जो थे, उनको नेपाल भी बोलते हैं, तो उन लोगों से मिलकर 9 व्यक्ति गंगा तालाब गए थे। वो स्वच्छ जल, पवित्र जल, पूजा के योग्य जो जल है उसके उसको ढूंढन के लिए, उसकी खोज के लिए। तो उस समय ये गंगा तालाब जो था उसको गंगा तालाब न कहकर परितालाब कहते थे, और वह कुछ और नहीं, शिकार करने का एक साशे था और वहाँ जाना मना था। तो इस तरह से आज्ञा आदि लेकर ये 9 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे। तब जब वहाँ पर हमारे पंडित सजीवन राम सुंदर जी 9 व्यक्तियों के साथ गए थे, तो उन्होंने उस जगह को और टीले को देखकर सोचा ये साक्षात कैलाश है, यहीं से जल ले जाएंगे। और वह जल जो है पवित्र जल है, क्योंकि सोते का जल है, क्योंकि सोते का जल है। तो इस तरह उन्होंने वहाँ से जल लिया और गए थे, जैसे वैसे ही जुलूस में आए और जो भी पूजा उन्होंने की, क्या मूर्ति आई, क्या कलश आया, सब के लिए उन्होंने लोगों को एक साथ एकत्र किया और बड़े भव्य रूप में उस मंदिर का निर्माण भी करवाया, पूजा भी करवाई। और तब से अनेक प्रकार की पूजाएं, सभी प्रकार की पूजाएं वहां होती रही हैं। भैरव देव भगवान शिव का ही एक रूप है, इनका वाहन एक कुत्ता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भैरव देव की पूजा करता है उसकी मन्नत जरूर पूरी हो जाती है। शिव पुराण की कथानुसार
एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन प्रथम पूजनीय है। ब्रह्मदेव ने विष्णु भगवान से कह दिया कि उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। उसी क्षण महादेव भैरव देव रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मदेव के उस शीश को धर से अलग कर दिया जिसके मुख से ये बात कही गई। इस तरह तब से ब्रह्मदेव के चार ही शीश है। एक दूसरी कथानुसार दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ के दौरान शिव का अपमान न सह पाने पर सती कुंड में कूद पड़ी थी। महादेव ने तब दक्ष के मस्तक को धर से अलग कर दिया था और सती के शव को लिए चहुं ओर भटकने लगा। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के शव को खंड खंड किया। जहां जहां सती का अंश गिरा वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुई तथा महादेव भैरव देव के रूप में उन शक्तिपीठों की सुरक्षा करने लगे। अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि दो शिव मंदिर हैं। ये दो शिव मंदिर क्यों हैं यहाँ पर? एक तो सबसे बड़ा मंदिर जो है हमारे बड़े आदरणीय स्वर्गीय पंडित सजीवन लाल जी ने बनवाया था सब लोगों के सहयोग से, लेकिन एक दूसरा मंदिर भी है शिव मंदिर, और वह दूसरा मंदिर जो है उनको काशीनाथ मंदिर कहते हैं। और इस तरह क्यों इनका नाम काशीनाथ पड़ा, यहाँ पर एक बात आती है। भवनाथ चिकुरी जी ऐसे उन्होंने कुछ संकल्प किया कि बड़ा मंदिर जितनी दूर पर है उससे इतने मीटर दूर पर मैं एक दूसरा मंदिर बनाऊंगा। मंदिर पूरा होने के बाद उन्होंने उतनी ही दूरी पर वह मंदिर बनवाया। चूंकि मूर्ति जो है काशी से आई थी और उन्होंने उनका नाम काशीनाथ रखा। इस तरह कैलाश की ऊंचाई पर बड़े भव्य मंदिर पर हमारे शिव शंकर भोलेनाथ जी विराजमान हैं और काशीनाथ जो कि भगवान शिव का नगर है और उनका नाम देकर यहाँ पर इस मंदिर को अपने रूप में बहुत अनूठा और बहुत सार्थक मंदिर बनाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन मात्र से ही आत्मा में आनंद की गंगा बह उठती है। यहाँ के लोग भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है। के जन्म लेले हैं जिन्हें 61 में है जा छोटा से हमने है जे जियल है सा छोटा से आगे सब पूजा करी हमी बैसका उसका सब है जे पर आवत हम सा। और महाशिवरात्रि के दिन हमी पूजा करे जाए जा संबंधित सब परि अथी सब परिवार मिल के आर है जा पर भोजन बने रहा है गुला कृष्ण बा है जा भोजन बने रहा सब महाशिवरात्रि खिचड़ी पकेला सब चीज़ सब जनता लोग के सेवा करी जा सा आर हर मंगल के आ जा सा रामायण वायन करे जे राम भगवान के अति मंदिर में।
सब मंदिरों में एक मंदिर है जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, तो उसकी ऊंचाई को जो हमारे वहां पर बनाने वाले कारीगर थे और जो उस समय की जो सभा थी या पंडित जी सजीवन लाल जी, उन्होंने यह निर्णय किया कि रावण के यहाँ जब हनुमान गए थे तो पूंछ की गुलाटी मारकर उस सबसे ऊपर वे बैठे थे। इसी को ध्यान में रख के उन्होंने इस मंदिर को सबसे ऊंचा बनवाया और मंदिर को भी मंदिर में हनुमान की मूर्ति जो है वो भी भव्य मूर्ति बनाई और वो भी चूने और मिट्टी से, जो कि आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं। भक्त लोग जब मंदिर में आते हैं और जब तक हनुमान मंदिर में नहीं जाते हैं तो उनकी पूजा की आपूर्ति नहीं होती। यहाँ पर निर्मित हनुमान जी का मंदिर काफी पुराना है और बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति मिट्टी से बनी हुई है। तो चलिए हमारे साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। जय हनुमान। कहते हैं कि हनुमान को धरती पर दीर्घ काल तक रहने के लिए वरदान मिला है। ऐसा भी मान्यता है कि जहाँ जहाँ प्रभु राम की गाथा सुनाई जाती है, श्री राम का पाठ होता है, हनुमान वहाँ किसी न किसी रूप में पहुँचे जाते हैं। इस मंदिर में स्थापित हनुमान की पूजा करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। हमने के महसूस होला, बहुत कुछ महसूस होला कि हमने बोले नहीं सकब सा। हमने के लौके ना हमने के भगवान के पूजा में हमने के अच्छा बा, हमने अपन लड़का परिवार और संतन की सेवा, सब दुनिया के जितना कोई के बा सबके पास पूजा करी ला सा। मंदिर की यात्रा करके मानो हमारी आस्था और भी सुदृढ़ हो गई है। एक और यात्रा तक के लिए हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।